हेलो, कैसे हो बच्चों? वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। वी आर डिस्कसिंग नंबर सिस्टम एंड दिस इज वीडियो लेक्चर नंबर 8। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 7 बिफोर वाचिंग पार्ट 8। सो वी आर गोइंग टू लर्न टुडे व्हाट इज न्यू। बताओ क्या सीखने वाले हैं हम आज? रिप्रेजेंटिंग ए रियल नंबर और नंबर लाइन सिस्टम। कहोगे ये तो मुझे पहले से पता है, 1 2 3 4 हम आराम से लिख सकते हैं नंबर लाइन सिस्टम पे। जीरो के राइट में जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जीरो के लेफ्ट में जो होता है वो निगेटिव होता है। ये तो हमें आती है, ये सीखने वाली क्या बात है? नहीं, थोड़ा और बड़ा सीखते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कोई नंबर कैसे लिखेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, देखा होगा कोई चीज मैग्नीफाइंग ग्लास, उस पे हम रख के देखते हैं बड़ी सी चीजों को। किसी ज्वेलर के पास गए होंगे तो देखते हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ये कैसा है, या डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो उनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होती है, उससे आपके दांत के अंदर के कीटाणु को देखते हैं, या कोई गड्ढा है या कहीं ब्रेक है या कहीं टूटा हुआ है तो उसको देखते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या करते हैं, चीजों को बड़ा करके देखते हैं, है ना, बड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा दिखता है। तो मैग्निफिकेशन जो है सक्सेसिव मैग्नि, मतलब हम धीरे धीरे उसकी बारीकियों में जाएंगे, माइक्रो ऑब्जर्वेशन करेंगे करेंगे और फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमें करना है नंबर लाइन सिस्टम पे। सो आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये बाय प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ये है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस प्रोसेस से हमें करना है, जैसे मान लो कोई नंबर आप बोलो जिसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मान लेते हैं हमें रिप्रेजेंट करना है 3.6567 को, है ना। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन सिस्टम पे, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन तो बनाएंगे, है ना। और नंबर लाइन में देखेंगे इस तरह का हमने एक नंबर लाइन बनाया। इस नंबर लाइन में ये नंबर लाइन हो गया हमारा। इस नंबर लाइन में आपने क्या किया कि ये है 0 और ये है 1 और ये है 2 और यह है 3 और इस तरह से आगे 4 भी होगा, है ना। तो अभी इसको थोड़ा और मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि हमें 4 की जरूरत है, स्पेस इतना है नहीं। मान लेते हैं ये 0 है, ये इधर -1 है, इधर और भी जाएगा, ये 2 है, सॉरी 1 है, 0 के बाद 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। तो हमारा नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है? दिस नंबर इज लाइज बिटवीन 3 टू 4। 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ये नंबर डिसाइड करेगा। तो ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो इनके बीच में ये कहीं लाई करेगा। तो 3 से बड़ा और 4 से छोटा के बीच में इसके 10 डिविजन हम कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये 10 डिविजन हो गए इनके। तो 10 डिवीजन अगर इनके हो गए तो बीच में इसके क्या होगा, 3 और 4 के बीच में एक होगा 3.5, ये होगा नंबर 3.5। अब आपको देखना है कि ये 3.5 है, तो पहली चीज तो नंबर 3 और 4 के बीच में, तो हम 3 और 4 के बीच में सेगमेंट, ये एक आइडिया लग गया कि आपको कि 3 और 4 के बीच में हमारा नंबर है, कहीं है इन्हीं में। तो हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से क्या करते हैं, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं। तो 3 को हम बड़ा करते हैं ऐसे, है ना, और ये 3 है हमारा। इसको अगर और हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो 3 और 4 के बीच में जो ये छोटे छोटे जो डिस्टेंस हैं ये थोड़े बड़े बड़े दिखाई देंगे, है ना। ये जो छोटे छोटे डिस्टेंस हैं ये बड़े बड़े दिखाई देंगे मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो आप ये देखेंगे तो ये फिक्स लाइन होगी और 4 के बीच में तो डिस्टेंस फिक्स है। तो ये जो है ये 3 यहाँ पे है और ये 4 यहाँ पे है ना।
और इनके बीच में अब 10 डिवीजन हम मान लेते हैं कि 10 डिवीजन इनके बीच में होंगे। इसको ये 4 के ये यहाँ 4 यहाँ आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से सीख लेते हैं। ये ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखता है, चीजें बड़ी बड़ी दिखती है। तो ये जो है वो 3 यहाँ दिखेगा और 4 यहाँ दिखेगा और इसके बीच में ये एग्जैक्टली लगभग ये 3.5 होगा कहीं, है ना। ये बीचों बीच में 3.5 होगा, ये 3.5 है ना ये, और इसी तरह से यहाँ पे होगा 3.6, यहाँ पे होगा 3.7, यहाँ पे होगा 3.8, यहाँ पे होगा 3.9 और 3.10 ऐसा होगा, है ना। थोड़ा सा ये दूरी कर लेते हैं, ये देखिए ये 3.5 है, ये 3.6 है, ये 3.7 है, ये 3.8 है ना, और ये है 3.9 और ये हमारा कितना 4.0 ऐसा। तो अब यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे भी होगा 3.4, ये होगा 3.3, ये होगा 3.2, ये होगा 3.1 ऐसा। तो अब हमारा जो नंबर है वो इसके बीच में 3.6 यानी यहां से और यहाँ के बीच में है। ये 3.6 और 3.7 के बीच में, क्योंकि 3.6 से ज्यादा है और 3.7 से कम। तो फिर इसको हम अगर और इस दोनों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो इनके बारे में, और ये भी थोड़ा सा बड़ा दिखेगा हमें, और बड़ा दिखेगा तो अगले स्टेप में हम क्या देखेंगे, ये दिखेगा 3.6 और 3.7 के बीच की डिस्टेंस, है ना ये। तो ये आप यहां से देख सकते हैं, ये मान लेते हैं 3.7 हो गया। इसके बीच में भी 10 डिवीजन हो सकते हैं, करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से एक यहां पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के ठीक है, अब इनके ये हो गया आपका 3. कितना 3.6 और ये है 3.7। इनके बीच में फिर होगा एक्जेक्टली यहां पे कितना होगा, 3.6 और 3.7 के बीच में 3.65 होगा। अब ये हो गया 3.66, 3.77, है ना, सॉरी 67, 3.67, 3.68 और 3.69 और 3.70, ये बेसिकली है। इसी तरह से इधर में होगा 3.464, 3.63, 3.63, 3.62 और 3.61 ये होगा। तो ये नंबर्स इस तरीके से होंगे अभी भी, लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमारा काम कहाँ है बताएं, हमारा अभी कहाँ जाना है हमें, 3. क्या था हमारा नंबर, 3.6567। तो अभी 3.65 तक हम पहुंचे हैं। 3.65 कहाँ है, यहाँ, और 67 है, तो इसका मतलब है कि 3.656 आना चाहिए। तो ये इन दोनों के बीच में होगा, है ना। तो फिर अगर इसको हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से करेंगे तो ये मिलेगा हमारा नंबर आगे जाके। फिर एक ऐसा नंबर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखे यहां से ये, फिर अगर इसको हम और ज्यादा मैग्निफाई करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। मजे वाली चीज है, आराम से कर सकते हो, और स्कूल में भी ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ये हमने इसको और मैग्निफाई किया तो ये ऐसा दिखेगा। इसको और मैग्निफाई करेंगे तो ये जो इसके बीच में जो और 10 डिविजन्स होंगे वो तो ये और डिवीजन दिखेंगे तो ये 3.655 होगा, है ना, 3.655। यहाँ पे बीचों बीच में ये नंबर जो है हमारा फिर से आ गया 3.65 और ये है 3.66, तो इसके बीच में होगा यहाँ पे 3.655 और ये होगा 3.6656, है ना। 5 के बाद 6.5 तो रहेगा ही सब में, 6.56, 6.56, 3.657, 0.658 और ये हो गया 3.659, है ना, और ये हो गया 3.660। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार नंबर, ये पांच नंबर, ये हो गया 3.651, ये हो गया 3.652, ये हो गया 3.653, ये हो गया 3.654, है ना। तो अब हमारा नंबर जो है किसके किसके बीच में, आप देखेंगे डेसिमल, हमारा नंबर है 3.656 से बड़ा और 3.657 से छोटा। तो 3.656 से बड़ा यानी यहां से बड़ा और इससे छोटा, तो इनके बीच में अब हमारा नंबर लाई करेगा। तो फाइनली एक ये हो गया कि अब हमें 3.356 से बड़ा और 3.656 से छोटा चाहिए। तो अब आप इसको फिर से थोड़ा और मैग्निफिकेशन करोगे एक बार और तो क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। लेते हैं इसी डायग्राम से ही कर देते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये मैग्निफिकेशन फिर से करेंगे तो इन दोनों के बीच में मिलेगा आपको, है ना, ये और दूसरा ये, ठीक है। ही क्वेश्चन बता रहे हैं, बड़े ही आराम से ध्यान से देखो, ये टाइम पास क्वेश्चन है और आप इसको आसानी से कर सकते हो। ये नंबर लाइन इधर भी जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नंबर लाइन इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, है ना। हम सिर्फ इसके टर्मिनल पॉइंट्स ले रहे हैं, यानी ये हुआ, तो इस तरह से यहाँ पे 3.6565 हो गया, 3 पॉइंट ये होगा 3.6566 और ये हो गया 3.6567, ये हो गया 3.6567, सब उल्टा लिखा गया यहाँ पे 3.6567 और ये हो गया 3.6568, 3.6569, और ये है पॉइंट हमारा 3.6570, है ना। तो ये हुआ 70, ये नंबर्स हो गए हमारे। और तो ये हमारे नंबर हो गए, ये 3.68 और ये 3.69, 3.69, 3.70। तो ये जो नंबर हो गया 3.6567, जिस नंबर की हमें तलाश थी वो ये है नंबर लाइन पे, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 3.6567 हमें चाहिए था। अब जितने बार जितने ये नंबर होंगे डेसिमल के बाद, ये देखिए कितने डिजिट है,
इसमें डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको 5 बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए 1 टाइम्स, ये फर्स्ट टाइम का प्रोसेस हो गया, फर्स्ट स्टेप है ना, और ये है सेकेंड स्टेप, और ये है थर्ड स्टेप, और ये है फोर्थ स्टेप इसके नीचे है ना, और ये है फिफ्थ स्टेप, ये है आपका फोर्थ स्टेप और ये है फिफ्थ स्टेप। तो जितने आपको नंबर डेसिमल प्लेसेज के होंगे उतने स्टेप आपको करने पड़ेंगे रिप्रेजेंटेशन में सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, और इस तरीके से ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड नंबर है, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जिसकी हमें तलाश थी, यही हमें रिप्रेजेंट करना था। ये है दिस इज 3.6567, और जिसको हमें रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से ये सवाल बनते हैं। दूसरा एक होता है कि नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये बात आपने सीख लिया है पहले, और अब जो रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, क्वेश्चन के जरिए ही हम सीखते हैं। ये है विजुअलाइज 3.65765, तो ये 4 नंबर हैं, तो आपको कितने स्टेप करने पड़ेंगे, 4 स्टेप करने पड़ेंगे। कैसे करोगे, चलिए मैं जल्दी से फटाफट बता देता हूँ। ये एक नंबर हम ले लेंगे नंबर लाइन सिस्टम पे, और नंबर लाइन सिस्टम पे आपने ये ले लिया एक टेबल, ये हो गया, चलिए इसी को मान लेते हैं, कोई बात नहीं, ये हो गया, देखने में सुंदर भी लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये देखो, ये है यहाँ पे 0, और ये है 1, ये है 2, और ये है 3, और ये है 4, है ना, और इसी तरह से। तो ये 3.65 किसके बीच में, 3.765 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4 है। तो अब इनको हम अगर नंबर लाइन पे करें तो आगे हमें ऐसे दिखाना होगा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से, स्टेप 2 में फिर जाएंगे, और स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में एक दूसरी लाइन लेंगे, ये है 3 और ये है 4, ये 3 और ये 4 है, तो इसके बीच में होगा 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4, है ना, 3.5 3.6 3.7 3.8, है ना, 3.8 3.9 और 4.0, ऐसे है ये नंबर्स। अब आपको जो जाना है 3.76, तो 7 यहाँ है और उसके बाद 3.7 से ज्यादा और 3.8 से कम, तो ये दोनों के बीच में है। इसमें फिर हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन लगाएंगे तो अगला स्टेप में आ जाएगा, ये एक और नंबर लाइन खींच लेते हैं और इन नंबर लाइन्स के बीच में, ठीक है, और एक और ये नंबर लाइन यहां से ले लिया, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये लाइन, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तो ये हो गया 3.7 नंबर्स हो गए, ये हो गया 3.7, और इसके बाद आएगा 3.71, 3.72, 3.73, है ना, 3.74, और ये आ गया 3.75, 3.76, 3.77 और 3.78, है ना, और 3.79, और ये हो गया 3.80, है ना, 8 या 80, एक ही बात है। अब हमें नंबर जो चाहिए था, 3 स्टेप तो हो गए, 1, 2, 3 स्टेप हो गए, 3.765 765, इसका मतलब ये है कि यहाँ से 3.765 और यहाँ के बीच में होगा, तो एक स्टेप और कर दोगे और आपका फटाफट ये आंसर निकल जाएगा, है ना।
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये हो गया 3.76 और ये हो गया 3.77। आपको 7.65 दिखाना है, तो ये हो गया 3.761, ये हो गया 3.762, ये हो गया 3.763, ये हो गया 3.76, ये हो गया 3.766, 3.767 और ये हो गया 3.768, ये हो गया 3.769 और ये हो गया 3.77 या 70। आपको दिखाना था ये 3.765, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है आपका आंसर होगा। यही है हमारा नंबर लाइन पे सिस्टम रिप्रेजेंटेशन 3.765। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, चार नंबर थे, चार डिजिट थे, तो चार स्टेप में आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। इस तरीके से आपको स्कूल में लिख देना है और उम्मीद है कि आप जरूर लिख देंगे, है ना। अब अगला सवाल जो है वो क्या है, एक और सवाल था यहाँ पे, ये था विजुअलाइज 4.26 ऑन नंबर लाइन सिस्टम इन 4 डेसिमल प्लेसेज। यानी इसको भी वैसे ही करना है, 4.626, 4.2626, 26 प्लेस तक दिखाना है। यानी चार ये और ये पांच हो गए, और पांच को कितने स्टेप में करने पड़ेंगे, पांच स्टेप में करने पड़ेंगे पांच डिजिट को। तो इतना आपको रिप्रेजेंट करना है, सेकेंड पार्ट में आपको रिप्रेजेंट करना है 4.2626, और इसी तरह से गो विथ ऑल 5 स्टेप्स। पांच स्टेप में इसको भी करना है आपको, ठीक है ना। स्टेप वन में किसको किसको करोगे, करके देखना घर पे, 4 to 5 के बीच में। उसके बाद स्टेप टू में क्या होगा बताओ, स्टेप टू में होगा 4.2 से 4.3 के बीच में, है ना। फिर क्या होगा स्टेप थ्री में, 4.26 से लेकर 4.27 के बीच में। फिर चार स्टेप में क्या होगा, 4.262 से लेकर 4.263 के बीच में। और फिर पांचवे स्टेप में आएगा 4.2626 और 4.2627 इनके बीच में, ये नंबर हमें मिल जाएगा। और मिल जाएगा ये टू से ये स्टेप मिल जाएगा, तो ये नंबर आपको मिलेगा। और ये नंबर जैसे मिल जाएगा फिफ्थ स्टेप में, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको कर लोगे, बोरिंग काम है थोड़ा सा, बट फिर भी आसान है, लेकिन आसान है तो नंबर मिलेगा, तो करने में कोई बुराई तो है नहीं। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं ना। तो अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होती है तो हम कुछ नई बात और सीखेंगे। तब तक के लिए इस सबको अच्छे से रिवाइज कर लो, खूब मन लगा के पढ़ो, समय बहुत है पढ़ने के लिए, और मस्ती भी करेंगे पढ़ेंगे भी। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक वो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। पढ़ाई है यहाँ पे, कोई गप नहीं है, कोई फालतू, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। मजे से पढ़े और आनंदित रहे, खुश रहे और मस्त रहे, ठीक है। अगली क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।